Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Cooking with Naaz, and I'm back with a brand new recipe. Eid ka afsar hai, Eid aane wali hai, bakra Eid, Eid ul Zuha ya Eid ul Fitr, jo bhi bolte ho, Eid ul Zuha bolte hai waise mere khayalat se. To ab bhai Eid pe to sheer lazmi banta hai aur bakra Eid aa rahi hai. Main Eid pe dalna bhool gayi to maine socha aap logo ko badi pareshani hui hogi, aap logo ne socha hoga yaar inne video nahi dali sheer ki ab hum kaise banayenge. To chaliye ab maine socha bakra Eid to hai na, abhi bakra Eid aa rahi hai to main isliye dal deti hu video. Chaliye to sheer banane ki recipe seekhte hain, maine bahut bhool liya. Ab sheer banane ke liye humne jo liya hai, main liya 5 kilo doodh, kyunki hamare to Eid pe bade mehman aate hain. Aur fir liya humne dry fruits. ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से, आपको भिगो के रखने, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं कुछ भिगोए भी जाते हैं. बादाम यानी आलमंड्स, छुआरे यानी ड्राइड डेट, और पिस्ता यानी पिस्ताचियो, जो भी उसका नाम हो, प्रो बहुत डिफिकल्ट नेम है. अच्छा गाइस, तो अब हमने जो अपना दूध था उसे हमने आधे घंटे पकाना है. उसके बाद हमें मेवा डालना है. मेवा और मावा बहुत अलग चीज़ है. जो मेवा है वो है ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट है तो मैंने आपको डालने के लिए बोला है ना, आधे घंटे दूध पकाने के बाद, वो मेवा है ना कि मावा. कभी आप लोग मावा डाल दो गलती से. अच्छा फिर आगे क्या करना है आप लोगों को, आधा घंटा दूध पकाने के बाद आपने मेवा डाल दिया है, फिर आपको डालना है फैनी. फैनी के बाद आपको डालनी है चीनी. ठीक है, जो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मैं वीडियो में दिखा भी रही हूँ, तो आपको कुछ ना भी समझ में आता है अगर इसके बावजूद, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन, यू नो. सो अब हमने चीनी डाल दी है. चीनी डालने के बाद हमें थोड़े से इसे पका देना है. पहले आपने फैनी डाल दी होगी ना, मैंने बताया था. देखो भाई सही से बनाना, अगर बनाना ही है तो. फिर हमने अपने जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स थे, जो हम ड्राई फ्रूट होते हैं ना हमारे, वो मेरे पापा भी मदद करा देते हैं काटने में, लाइक जब वो घर पर रहते हैं, तो जैसे चांद रात को उनकी मतलब छुट्टी रहती है ना, नेक्स्ट डे भाई ईद का त्यौहार है, सबकी छुट्टी होती है, हम इतने बैठ के आराम से मेहंदियाँ लगाते हैं, इतने पापा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं. नहीं नहीं, हम अपने पापा पे कोई जुल्म वुल्म नहीं कर रहे, कभी आप लोग ऐसा सोचो. वो बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, इतना बढ़िया शेर बना के फिर सुबह को नहीं खिलाते हैं, हम किसी और को थोड़ी खिलाते हैं. अच्छा अब आपने जो ये था ना, आपने सब कुछ कर लिया होगा, तो फिर आपको इसे थोड़ी देर बंद कर दीजिए मतलब गैस, और रख दीजिए पकाने के बाद. अब आपको क्या करना है, आपको ले लेनी है कढ़ाई में ले लेना है तेल. अब हम जो करेंगे वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल काम होगा, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है एक्चुअली में. तो हमें मखाने यानी फॉक्स नट, जो बिहार में ज़्यादा पाया जाता है, हमें उसे तल लेना है भाई, उसे फ्राई कर लेना है. ओके, उसे फ्राई करेंगे हम भाई. मुझे बड़ा ही डर लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा डर तेल के काम से ही लगता है, किसी से भी नहीं लगता, सच्ची बता रही हूँ. तो पता है जब काम करती भी हूँ तो दूर दूर को भागती रहती हूँ. अच्छा फिर हमें अपने मखाने डाल देने हैं इसमें, क्या फॉक्स नट, मखाने या फॉक्स नट इंग्लिश में बोले तो, जो भी आप बोलते हो, जैसे भी आपको सही लेते हो, आप जो भी बोलते हो, आपको बस इसमें डाल देना है. किसमें डाल देना है, शीर के अंदर, जो हमने पका के रख दिया था अपना. अब ये तो हो गया, अब मैं आपको इसको और टेस्टी बनाने का एक राज बताती हूँ क्या करना है आप लोगों को. आपको पता है मावा जो है इसमें हम कैसे डालने वाले हैं, मैं बताती हूँ आपको. देसी घी ले लेना, देसी घी लोगे ना, उसमें थोड़ी देर आपको जो मावा होता है वो रोस्ट करना है. रोस्ट करके फिर जो आप उसे, जैसे आप उसे उसमें डालेंगे अपने शीर में, सच में मज़ा ही आ जाना है, बहुत मस्त लगेगा आपको. मतलब मावा से ना सायका ही बढ़ जाता है. पर मैं जब मतलब कि मेरे को तो पता ही नहीं है इतना कि कैसे बनता है शीर, कैसे नहीं. तो मेरी जब मम्मी बनाती है ना यही शीर, तो मैं उनसे बोलती हूँ यार खाने में तो नहीं आता मावा, कहाँ डालती हो. उन्होंने बोला ये टेस्ट के लिए होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही आता है. बट यार मुझे सच में बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, मेरी कटोरी में तो कभी नहीं आया, बहुत दुख होता है ऐसे सच्ची में. अच्छा और पता है ईद पे आप लोगों को कितनी ईदी मिल जाती है, कितनी मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे. और नाउ कमिंग टू अ सीरियस टॉपिक, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट फलस्तीन
even on this Eid. Please pray for them, okay? Unke liye dua karna na bhuliyega. Eid hai, unke liye bhi Eid hoti hai. Aaj wo bhi khushi se mana rahe hote hain. Unhe apni duaon mein zarur yaad rakhiyega. Aur bas aaj ke liye itna hi kafi hai. Milte hain aap logon se ek aur nayi video mein, dhamakedar video mein. Do not forget to share, like and subscribe my channel. And yes, comment down जरूर करना खाने के बाद कि कैसा बना था. रिश्ते की टॉपिंग कर लेना क्योंकि भाई उससे तो मज़ा ही आ जाना है. केवड़ा भी डाला था मैंने उसमें, शीर में. मैंने सब कुछ वीडियो में दिखाया है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है. शीर तैयार हो गया है आप लोगों का, बना के मज़े से खाइएगा. मैं भी खाने जा रही हूँ, तब तक के लिए फी अमन. Let's meet in the next video where I can say more. Allah Hafiz.